हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं अंजलि और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंजलि हिमांशु पहाड़ी ब्लॉगर में। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और सबसे पहले मैं जा रही हूँ गोट में दूध निकालने। नीचे कमरे में आ गई हूँ। आज बारिश हो रही है बहुत तेज, रात से ही लग रही है शायद, मुझे अभी पता चला जब मैं उठी। फ्रेंड्स, बाहर बहुत तेज तेज हो रही है, हल्की हल्की सी बारिश लग रही है, कल रात से ही लग रही थी शायद। और आपको दिखाती हूँ अभी का मॉर्निंग का नज़ारा। गुड मॉर्निंग, उठो, गोठ में आना आना। हाँ आना। हाँ लकड़ दिखा ला गोर का। हाँ आना। हाँ आना। हाँ इधर तो देखो, फिर इधर तो देखो, हेलो तो बोलो। तो फ्रेंड्स, मैंने चंदों का दूध निकाल दिया है और बाकी बचा हुआ एक 3 थन का दूध मैंने निकाला और बाकी बचा हुआ 1 थन का दूध इसकी बेटी चांदनी पीती है। और अब मुझे निकालना है इसका दूध। और ये आजकल दूध देने में बहुत नखरे कर रही है, लात मार रही है, तो इसको ठीक में लाना है मुझे। शायद धीरे धीरे ठीक में आ जाए, देख तो रही है। पहले मैं इसको घास डालूंगी, फिर जाके इसका थोड़ा सा दूध निकालूंगी। ये भी आ गए हैं दूध निकालने, गाय को लकड़ी थोड़ा सा देखेंगे, लकड़ी पकड़ेंगे, फिर जाके मैं दूध निकाल पाऊंगी थोड़ा सा। मैंने इसको घास डाल दिया है और अब मैं छोटा सा डेग लेकर आई हूँ आज, क्या पता दे दे थोड़ा बहुत दूध जितना भी होगा। से हमने दूध तो निकाल लिया है लेकिन थोड़ा सा निकला, इतना सा दूध। तो उम्मीद है कहीं थोड़ी बहुत की थोड़ा थोड़ा दूध ऐसे करके दे दे, फिर ठीक में आ जाएगा मुझे लगता है। पिछली बार जब ये मैं गोट से आ गई हूँ अंदर दूध लेके, और अभी भी बारिश चालू ही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। में बहुत सारे काम होते हैं जो इस बारिश की वजह से रुक जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं गोट से दूध लेकर आ गई हूँ और अंदर मैंने आग भी जला दी है, पानी भी रख दिया है बर्तन वर्तन धोने के लिए, हाथ में धोने के लिए। और बारिश अभी भी चालू ही है, शायद आज कुछ काम नहीं करने देती, हमें घर पे ही बैठने के लिए बोल दिया, आराम करने के बोल दिया। और लेकिन काम तो करना पड़ेगा, तो हम अंदर का काम करेंगे पहले, तब बारिश रुक जाए। तो मैंने पानी गर्म किया है थोड़ा सा, मैं बोतल साफ करूँगी, उसमें दूध भरना है। तो मैं पहले बोतल साफ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ 6 रोटी। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से कुछ काम नहीं होगा, तो मैं 6 रोटी बना रही हूँ सुबह सुबह नाश्ते में। और यहाँ पर बन जाएंगी रोटी, और ये रोटी बनती है चावल के आटे से, घी गाय का घी, इसमें थोड़ा हल्का हल्का लगाना पड़ता है। एक साइड से पक चुका है ये, दूसरी साइड थोड़ा सा और पकाना पड़ता है। 6 रोटी बनाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। अगर पहली रोटी अच्छी बन गई तो समझो सारी रोटियां अच्छी बनेंगी, लेकिन पहली रोटी ख़राब हो जाती है ना, फिर तो बनती ही नहीं है। बहुत बड़ा टास्क होता है इसका, घोल, परफेक्ट घोल तैयार करना। इसके घोल में ही सब कुछ डिपेंड करता है कि घोल किस प्रकार का बना है। तो इसका घोल मैंने, इसकी इतनी थिकनेस रखी है ताकि ये फटाफट नीचे आ जाए। मैंने इसकी इतनी थिकनेस रखी है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, और एकदम ये जालीदार बनता है। तो फ्रेंड्स, मेरी दूसरी 6 रोटी भी सुधर गई है, यानी कि
ठीक ठाक बन गई है। तो बन गई, एक बन गई है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं इसको गैस में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसमें फ्लेम आँच का अंदाज़ा रहता है कि लो फ्लेम करना। जब हम इसको इसका बैटर तवे में डालते हैं तो इसमें लो फ्लेम चाहिए होता है, वरना बैटर डालते ही जलने लगेगा। और मेरी ननद भी उठ गई है और वो गई है हाथ में धोने, उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। अभी तक मेरी बेटी नहीं उठी है, उसको भी उठाना। सुबह के बज चुके हैं 10 और हमने कर लिया है नाश्ता। क्या खाया आज तुम दोनों ने? खीर खाई है, आलू मटर की सब्जी और रोटी खाई। मैंने चावल की रोटी और मैं भी अपने पति की फोटो लगा रही, देखो स्टेटस में। तो फ्रेंड्स, सुबह से ही बारिश लगी हुई थी, अभी